we will discuss about the digestion. Food is one of the basic requirement of all the living organisms, and the major component of our food is carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals and water. Food provide us energy and organic material for growth and repairing of our tissue. Water play an important role in metabolic processes and prevent dehydration. The food consists by bio macromolecules which can't utilize in our body in original form, so the complex food material converts into the simplest and diffusible form. This enzymatic reacts hydrolysis is called as digestion. एक्चुअली डाइजेशन प्रोसेस के लिए अपने बॉडी में ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट बाय एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कंप्राइजेज बाय नंबर वन माउथ, देन ओरल कैविटी, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन. Intestine divided into two part, small intestine and large intestine. Small intestine consists by duodenum, jejunum and ileum, while large intestine consists by first number cecum, then second number colon, third number rectum, and finally rectum opens outside the body through anal canal and anus. ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हो गए. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर फर्स्ट नंबर सेलाइवरी ग्लैंड्स, सेकेंड नंबर लीवर, थर्ड नंबर पैनक्रियाज, फोर्थ नंबर गैस्ट्रिक ग्लैंड विच आर फाउंड इन अवर स्टमक, एंड लास्ट इंटेस्टाइनल ग्लैंड फाउंड इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन. So, this is our digestive system. एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करते हैं. एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, माउथ से स्टार्ट होती है एंड देन एनस में जाकर एंड होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ ओपन इन टू द बकल कैविटी. बकल कैविटी ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी. इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होती है, पैलेट एंड देन फेरिंग्स. ह्यूमन बींग्स में टीथ जॉ बोन पर लगे होते हैं और थ्री प्रॉपर्टी होती है टीथ की. फर्स्ट नंबर थीकोडोन टाइप ऑफ टीथ, सेकेंड नंबर डाइफायोडोन टाइप ऑफ टीथ एंड थर्ड नंबर हेट्रोडोन टाइप ऑफ टीथ. एक्चुअली ह्यूमन बींग्स में डेंटल फॉर्मूला अपर जॉ और लोअर जॉ पर कितने टीथ होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डेंटल फॉर्मूला प्रेजेंट है. और डेंटल फॉर्मूला जो है वो 2123 अपॉन 2123. देन इस टीथ के ऊपर हार्डेस्ट पार्ट प्रेजेंट होता है टीथ में, दैट इज कॉल्ड एज द एनामल. ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप एंड गलेट इज द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस. ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो फूड को कंडक्ट करवाता है फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टमक. स्टमक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड होता है. इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेनली थ्री पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक. ये स्टमक अपने लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है. इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है. देन स्टमक ओपन इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. इन दोनों के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. सेम ऐसे ही इसोफेगस एंड स्टमक के बीच में भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज द गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर. स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्री पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द सी शेप ड्यूओडेनम. एक्चुअली यू शेप अपने लिखा हुआ है बट सी शेप बोला जाएगा. सेकेंड नंबर अ लॉन्ग मिडल पोर्शन कॉल्ड एज जेजुनम
and last portion highly coiled part called as ileum. Now small intestine ka ileum part open into the large intestine. Large intestine again divided into three part. First is the cecum, second is the colon, and third number is the rectum. आज अपन हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं. एलिमेंट्री कैनाल के टीएस में चार ट्रांसवर्सल सेक्शन में चार लेयर होते हैं. आउटर मोस्ट इज द सेरोसा, सेकंड इज द मस्कुलरिस, थर्ड इज द सब म्यूकोसा एंड फोर्थ इज द म्यूकोसा. सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड दिस आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप बाई फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. सेकेंड लेयर muscularis layer, and this muscularis layer divided into two layer. Outer is the longitudinal muscle layer and inner is the circular muscle layer. ये अपने elementary canal की movement को derive करवाते हैं, जिसे अपन बोलते हैं peristalsis. इसके बाद में आती है sub mucosa layer. This is the third layer from outside to inside. Sub mucosa layer is made up by the areolar connective tissue plus lymph vessels plus blood vessels plus nerve fibers. Especially duodenum ki sub mucosa mein special type of glands present hoti hai called as Brunner's gland. Is sub mucosa ke niche andar ki aur mucosa layer present hoti hai. Stomach mein is mucosal epithelium se folds ka formation hota hai jinhe ruggi ya गैस्ट्रिक फोल्ड्स बोलते हैं. इन गैस्ट्रिक फोल्ड्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है. म्यूकोसल एपिथेलियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म्स द फिंगर लाइक फोल्ड्स कॉल्ड एज द विलाई. इन विलाई के बेस पर स्पेस प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज द क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन. क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोन दिखाए हुए हैं जो दो विलाई के बीच में छोटे से क्लेफ्ट लाइक स्पेस को बोलते हैं. यहां एक सीक्रेशन सीक्रेट होता है विच इज कॉल्ड एज द इंटेस्टाइनल ज्यूस. इस विलाई के अंदर देखिए यहां पर ब्लड कैपिलरीज और लिम्प कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. लिम्प कैपिलरीज इज कॉल्ड एज द लैक्टियल. So, lacteal are the lymph capillary. Elementary canal को पढ़ने के बाद digestive glands पढ़ते हैं. अपने body के अंदर digestive glands में associated glands में number one salivary gland, second liver and third number pancreas. First number salivary gland. Salivary gland three pairs होती है. उसमें से first number parotid glands, second number सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, थर्ड नंबर सब लिंगुअल ग्लैंड्स. सेलाइवरी ग्लैंड से सेलाइवा सीक्रेट होता है. सेलाइवा के अंदर टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको सेलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं. सेकंड नंबर लीवर. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. इसका वेट 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है. ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जस्ट बिलो द डायफ्राम प्रेजेंट होता है. इसमें टू लॉब्स होते हैं. हेपेटिक लॉब्यूल्स को लीवर की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं. कवरिंग इज कॉल्ड एज द ग्लीसन्स कैप्सूल. इसको ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं कवरिंग को. हेपेटिक सेल्स आर द सेल्स ऑफ द लीवर जो बाइल जूस को प्रोड्यूस करवाती है और बाइल सीक्रेट होकर स्टोर किया जाता है गॉल ब्लेडर के अंदर. गॉल ब्लेडर राइट लॉब के अंदर प्रेजेंट होती है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो बाइल जूस को कंसंट्रेटेड करने का काम भी करती है. नाउ पैनक्रियाज इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड. ये अपने ड्यूडिनम की दोनों लिम्स के बीच प्रेजेंट होती है. एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन. एक्सोक्राइन पार्ट ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है. डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती है. व्हाइल हेड इसका एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन सीक्रेट करता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स में इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन.
So overall, these are called as associated digestive gland. डाइजेशन की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन दो प्रोसेस से कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज द मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकंड इज द केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन बकल कैविटी एंड डियोडिनम में कंप्लीट होता है, वाइल केमिकल डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम अवर बकल कैविटी, देन कैरिड आउट इन अवर स्टमक, देन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन फिनिश हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डाइजेशन इन अवर बकल कैविटी। बकल कैविटी में फूड को मैस्टिकेट किया जाता है, देन मिक्स अप विद सेलाइवा। सेलाइवा इज द सीक्रेशन ऑफ द सेलाइवरी ग्लैंड एंड मिक्स होते ही इस मटेरियल्स को बोलस फॉर्म में बोलते हैं। इसके अंदर सेलाइवा में प्रेजेंट होते हैं टाइली एंजाइम, ऑल्सो कॉल्ड एज सेलाइवरी एमाइलेज, जो स्लाइट एसिडिक पीएच 6.8 पर वर्क करता है और फूड में प्रेजेंट स्टार्च को माल्टोस के अंदर कन्वर्ट करता है। दिस बोलस उस बोलस को टंग के थ्रू, मसल्स के थ्रू पुश करते हैं और गलेट के थ्रू इसोफेगस में डाल देते हैं। इस टाइप से बकल कैविटी में डाइजेशन कंप्लीट होता है, देन फूड एंटर इनटू द बोलस, एंटर इनटू द स्टमक। स्टमक के इनर मोस्ट लेयर पर म्यूकोजल एपिथेलियम में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक और चीप सेल और पेराइटल और ऑक्सिनेटिक सेल प्रेजेंट होती है। आउट ऑफ देम पेप्टिक सेल और चीप सेल सीक्रेट द प्रो एंजाइम्स लाइक पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, वाइल पेराइटल और ऑक्सिनेटिक सेल सीक्रेट द एससीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑल्सो कॉल्ड एज कैस्ट्रल फैक्टर। नाउ स्टमक में फूड को 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर किया जाता है। बोलस के साथ गैस्ट्रिक जूस मिक्सअप हो जाता है एंड देन स्टार्ट होता है केमिकल डाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एससीएल पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है एंड देन प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन कन्वर्ट्स द प्रोटीन इनटू प्रोटीएजेज एंड पेप्टॉन्स। साथ में प्रोरेनिन चाइल्डहुड स्टेज का एंजाइम है जो बच्चों के अंदर मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, बट एडल्ट में याद रखना एब्सेंट होता है रेनिन। अब उसके बाद में स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आल्सो सीक्रेट इन गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में डाइजेशन पड़ने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पड़ते हैं। जैसे ही काइम स्टमक से निकलकर पाइलोरिक इंस्पिंचर के ओपन होने से डियोडिनम में एंटर करता है, एंटर करते ही गॉल ब्लेडर और लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है और पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट होता है। एक्चुअली बाइल जूस कंटेन्स बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, बट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एब्सेंट इन बाइल जूस। सो बाइल जूस इज कॉल्ड एज स्यूडो डाइजेस्टिव जूस। एक्चुअली दिस बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड ऑल्सो प्रोवाइड द एल्किनिटी टू द काइम। एक्चुअली एसिडिक काइम को ये बाइल जूस एल्केलाइन नेचर के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। वाइल पेनक्रेटिक जूस कंटेन्स द इनएक्टिव एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लिएज। दिस ट्रिप्सिनोजन इज इनएक्टिव एंजाइम विच इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज एंटेरोकाइनेज। दिस एंटेरोकाइनेज कन्वर्ट्स द ट्रिप्सिनोजन
into active trypsin, and then this active trypsin converts the other inactive enzymes in pancreatic juice. Ultimately, these enzymes hydrolyze the macrobiomolecules like protein, proteases, and peptones in presence of the trypsin and chymotrypsin and carboxypeptidase converted into the dipeptides. Same way, pancreatic phase converts the polysaccharides or starch into the disaccharides, and pancreatic lipase converts the emulsified fat into the diglycerides, DG, and then monoglycerides, MG. And last, nuclease enzyme converts the nucleic acid into the nucleotides. Overall, ड्यूओडेनम के अंदर सारे एंजाइम वर्क करते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं फूड को। अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम एंड इलियम में डाइजेस्ट होता है। ये इस डाइजेशन प्रोसेस के लिए सक्कस एंटेरिकस रिलीज होता है और उस सक्कस एंटेरिकस के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका जो डाइजेशन फॉलोइंग टाइप से करेंगे। अब फूड जेजुनम और इलियम में पहुंचता है जहां इसका केमिकल डाइजेशन होता है। जैसे ही फूड जेजुनम और इलियम में पहुंचता है, सक्कस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है। इस जूस में डाइपेप्टाइडेज, डाइसेकेराइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज एंड लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। डाइसेकेराइड में सेकेराइडेज में माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज प्रेजेंट है। डाइपेप्टाइडेज एंजाइम कन्वर्ट्स द डाइपेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड्स। ओवरऑल प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट इन जेजुनम एंड इलियम। माल्टोज व्हिच इज डाइसेकेराइड कन्वर्ट्स इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम। सेम वे लैक्टोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज एंजाइम। एंड सुक्रोज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द कैन शुगर कन्वर्ट्स इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज एंजाइम। ओवरऑल दीज थ्री एंजाइम माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज आर कॉल्ड एज द डाइसेकेराइडेज। नाउ न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट्स इनटू न्यूक्लियोसाइड इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। एंड दिस न्यूक्लियोसाइड्स कन्वर्ट्स इनटू पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसेज इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइडेज। इस टाइप से न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड फाइनली डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स कन्वर्ट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इन प्रेजेंस ऑफ द लाइपेज एंजाइम। ओवरऑल ये डाइजेशन की मैकेनिज्म जेजुनम एंड इलियम में फिनिश हो जाती है। अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। There is no significant digestive activities occurs in large intestine. Only large intestine में दो फंक्शन होते हैं। First of all, large intestine में water, minerals and certain drugs का absorption होता है। And second one, fecal matter को store किया जाता है और बनाया जाता है। जब undigested material large intestine में पहुंचता है, तो cecum के थ्रू अंदर आता है। वहां पर इलियोसीकल वॉल प्रेजेंट है इलियम और सीकम के बीच में। इलियोसीकल वॉल्व यूनिडायरेक्शनल वॉल्व होता है और ये अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब मटेरियल जो लार्ज इंटेस्टाइन में जा चुका है उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करता है। ये सारी एक्टिविटीज जो डाइजेशन से रिलेटेड है, इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरल एंड हॉर्मोनल कंट्रोल। ओवरऑल डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस
in which the end product of the digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. Means अपने एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन में से डाइजेस्टेड मटेरियल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू ब्लड और लिम्फ के अंदर एंटर करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन थ्री प्रोसेस से होता है. फर्स्ट इज कॉल्ड एज द सिंपल डिफ्यूजन, और सिंपल डिफ्यूजन को बोलते हैं पेसिव एब्जॉर्प्शन या पेसिव ट्रांसपोर्टेशन. Second is called as the active transportation and third one is the facilitated transportation. तो बच्चा याद रखिएगा, कुछ ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का और सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na प्लस और फैट या लिपिड का हमेशा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है. बट वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ द कैरियर आयंस. एनर्जी कोई कंज्यूम नहीं होती है, सिर्फ कैरियर आयंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर अंदर आते हैं फ्रक्टोज और कुछ अमीनो एसिड्स. दिस इज कॉल्ड एज द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन. पैसिव डिफ्यूजन में नो यूज ऑफ कैरियर, नो यूज ऑफ एनर्जी, वाइल फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कैरियर प्रोटीन और कैरियर आयंस आर यूज्ड बट एनर्जी does not consumes. While active transportation को देखते हैं तो active transportation concentration gradient के against होता है. Glucose, monosaccharide like glucose, then amino acids, then sodium plus ions etc. are actively transported into the blood. So overall active transportation कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, वाइल पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है. नाउ फैट एक्चुअली ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्ब होकर लैक्टियल्स में आती है, बाकी सभी ट्रांसपोर्ट होकर एब्जॉर्ब होकर ब्लड कैपिलरी में आते हैं. अब फैट यहां से निकलकर वो लैक्टियल्स के थ्रू लिम्फ वेसल्स में एंड देन इनटू लेफ्ट एंड राइट थोरेसिस लिम्फेटिक डक्ट में, then subclavian vein and ultimately heart. While except fat baki sabhi blood mein absorb hote hain aur blood ke through hepatic portal vein mein, then into the liver, then into the heart pahunchte. Actually digestive system ka main ailment ya common ailment bolte hain, most common ailment is the inflammation of intestinal tract. इस इंफ्लामेशन की वजह बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासिटिक इंफेक्शन है. डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर डिसऑर्डर जॉन्डिस. एक्चुअली जॉन्डिस में अपना लीवर अफेक्टेड होता है. सेकंड नंबर आता है वॉमिटिंग, जब माउथ से अपने स्टमक का कंटेंट बाहर निकलता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं वॉमिटिंग. थर्ड नंबर का डिसऑर्डर डायरिया. ड्यू टू एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉवेल मूवमेंट एंड इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज कंडीशन इज कॉल्ड एज द डायरिया. सो डायरिया में डाइजेशन तो होता है बट एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होने की वजह से फीकल मैटर लिक्विड स्टेज के अंदर डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से लॉट ऑफ द वॉटर लॉस होता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ सकती है. नेक्स्ट नंबर आता है कॉन्स्टिपेशन. इसका मेन रीजन है बॉवेल मूवमेंट का इररेगुलर हो जाना, जिसकी वजह से सॉलिडिफाई स्टेज के अंदर फीकल मैटर रेक्टम में स्टोर रह जाता है. इसी कंडीशन को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन. लास्ट वन आता है इनडाइजेशन. जैसा कि नाम से ही मालूम चल जाता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग्स ऑफ फुलनेस, अपने को पेट भरा भरा सा महसूस होता है. दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द इनएडेक्वेट सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स. सेकेंड नंबर एंजाइटी, थर्ड नंबर फूड पॉइजनिंग, फोर्थ नंबर ओवर ईटिंग
And fifth number is spicy food. Question is the match the item given in column first and those in column second and choose the correct option. Column first mein first renin, B enterokinase, C ऑब्जेंटिक सेल्स एंड डी फ्रक्टोस गिवन है. वाइल कॉलम सेकेंड के अंदर देखिए विटामिन बी 12 फर्स्ट नंबर पर, सेकेंड नंबर पर फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, थर्ड नंबर पर मिल्क प्रोटीन एंड फोर्थ नंबर पर ट्रिप्सिनोजन. तो बच्चों इस क्वेश्चन में कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड को मैच करवाना है और गिवन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर. तो वन बाय वन कॉलम फर्स्ट को देखते हैं देन उसके साथ मैच करवाएंगे. कॉलम फर्स्ट में ए गिवन है रेनिन. एक्चुअली रेनिन इज ए मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम. ये मिल्क की प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और इट इज ओनली फाउंड इन चाइल्डहुड स्टेज. सिर्फ अपने को चाइल्डहुड स्टेज में मिलता है, एडल्ट में एब्सेंट होता है. तो इट मींस ये मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन से रिलेटेड है. तो अपना रेनिन मैच विद द थर्ड नंबर मिल्क प्रोटीन. नाउ सेकंड एंटेरोकाइनेज. एक्चुअली एंटेरोकाइनेज सीक्रेट्स फ्रॉम द म्यूकोजल एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजल एपिथेलियम से सीक्रेट होता है. दिस एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट्स द ट्रिप्सिनोजन इनटू द ट्रिप्सिन. ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन में. सो this enterokinase is related with the trypsinogen, right? Enterokinase related with the trypsinogen. Column first में C को देखते हैं oxyntic cells. Oxyntic cells are the cells of the our gastric gland. ये gastric gland की cells है. Gastric gland के अंदर पेप्टिक और चीप सेल, नंबर दो पर ऑक्सेंटिक सेल ऑल्सो कॉल्ड एज पेराइटल सेल, थर्ड नंबर म्यूकस नेक सेल एंड फोर्थ नंबर एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती है. उनमें से ये ऑक्सेंटिक सेल एक्चुअली सीक्रेट द एससीएल एंड कैस्ट्रल इंटेंसिक फैक्टर. नाउ कैस्ट्रल इंटेंसिक फैक्टर इज एसेंशियली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12. ये कैस्ट्रल इंटेंसिक फैक्टर विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल होता है सो दैट ऑक्सेंटिक सेल मैच विद द विटामिन बी 12. सी ऑक्सेंटिक सेल विटामिन बी 12. एंड लास्ट कॉलम फर्स्ट में डी गिवन है फ्रक्टोस. फ्रक्टोस न्यूट्रिएंट्स है और मोनोसेकेराइड है. इस मोनोसेकेराइड का एब्जॉर्प्शन हमेशा फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट मेथड से होता है. सो फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन फ्रक्टोस का होता है, कुछ अमीनो एसिड्स का होता है. सो अपना फ्रक्टोस मैच विथ द फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट. ओवरऑल अगर ऑप्शन में देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन ए रेनिन मैच विद द कॉलम सेकंड में थर्ड नंबर मिल्क प्रोटीन के साथ करेक्ट. बी एंटेरोकाइनेज कॉलम सेकंड में फोर्थ नंबर पर ट्रिप्सिनोजन के साथ आल्सो करेक्ट. बट सी ऑक्सेंटिक सेल को फर्स्ट ऑप्शन में मैच करवाया हुआ है, सेकंड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट के साथ जो सुटेबल नहीं है, गलत है ये. सो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट. ये ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया.
सेकंड नंबर ऑप्शन को देखते हैं, और सेकंड नंबर ऑप्शन के अंदर ए को मैच करवाया हुआ फोर्थ के साथ, ए रेनिन, और रेनिन को मैच करवाया हुआ है ट्रिप्सिनोजन के साथ, गलत दिया हुआ है। सो ऑप्शन सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाता है। सो ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट। बी एंटेरोकाइनेज, और एंटेरोकाइनेज को थर्ड नंबर के साथ मैच करवाया हुआ है, थर्ड नंबर मिल्क प्रोटीन है जो सूटेबल नहीं है, गलत मैच करवाया हुआ है, इसलिए ये भी मैचिंग गलत। सी को फर्स्ट के साथ, मींस ऑक्जेंटिक सेल को फर्स्ट विटामिन B12 के साथ, ठीक है, लेकिन आगे के दोनों मैचिंग गलत। एंड डी को सेकंड के साथ, डी को सेकंड के साथ भी मैच ठीक से करवाया है, लेकिन ए और बी की मैचिंग गलत होने से अपना ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत। नाउ ऑप्शन थर्ड को देखते हैं, थर्ड में ए को फोर्थ के साथ मैच करवाया हुआ है, जबकि ए थर्ड के साथ मींस रेनिन मिल्क प्रोटीन के साथ में मैच हो रहा है, लेकिन यहां पर ए को फोर्थ के साथ मैच करवाकर इस ऑप्शन को भी गलत कर दिया। सो ये ऑप्शन भी अपने लिए सूटेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ देखते हैं, ए को थर्ड के साथ मैच करवाया हुआ है, ए रेनिन एंड थर्ड नंबर मिल्क प्रोटीन, करेक्ट मैचिंग। देन सेकेंड नंबर बी को फोर्थ के साथ में, बी एंटेरोकाइनेज, फोर्थ ट्रिप्सिनोजन, करेक्ट मैचिंग। सी ऑक्सेंटिक सेल, मैच करवाया हुआ फर्स्ट के साथ विटामिन B12 के साथ, करेक्ट मैचिंग। एंड फ्रक्टोज को, डी को सेकंड के साथ मींस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के साथ, बिल्कुल ठीक करवाया हुआ मैचिंग। सो दैट अवर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ। क्वेश्चन इज क्वाश्योरकर डिजीज इज ड्यू टू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट साइमल्टेनियसली डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड फैट, ऑप्शन नंबर टू साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, ऑप्शन नंबर थर्ड डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट accompanied by calorie deficiency। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वाश्योरकर डिजीज का कारण है, पहले ऑप्शन में गिवन है कि प्रोटीन और फैट दोनों के साथ साथ डेफिशिएंसी होने से, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन एंड कैलोरीज फैक्टर के साथ साथ डेफिशिएंट होने से, थर्ड ऑप्शन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट की वजह से, और फोर्थ ऑप्शन प्रोटीन डेफिशिएंसी के साथ कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं होने की वजह से। इट मींस फोर्थ ऑप्शन में ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्वाश्योरकर रीजन का कारण गिवन। इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाश्योरकर डिजीज है क्या? तो बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपने एलएम के मॉड्यूल में गिवन है प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। एक्चुअली प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन को WHO ने एक्सप्लेन किया है कि दो टाइप की डिसऑर्डर है, नंबर वन इज द क्वाश्योरकर एंड सेकेंड वन इज द मेरास्मस। इट मीन्स PEM और प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन आर और टू टाइम, वन इज द क्वाश्योरकर एंड सेकेंड वन इज द मेरास्मस। एक्चुअली क्वाश्योरकर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ओनली प्रोटीन इन दियर डाइट। अगर बच्चों के डाइट के अंदर चाइल्डहुड स्टेज के अंदर वन ईयर से अबो स्टेज के अगर बच्चे हैं, उनकी डाइटरी फूड के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंट होता है, तो बच्चा क्वाश्योरकर से ग्रसित हो जाता है, क्वाश्योरकर डिसऑर्डर होता है उसको। वाइल अगर बच्चे के डाइट में जो वन ईयर्स के बिलो बच्चे हैं, जिनको मदर लैक्टेशन बंद हो जाता है,
उन बच्चों को अगर डाइट के अंदर प्रोटीन एंड कैलोरीज दोनों ही कंटेंट डेफिशिएंट हो जाते हैं तो ऐसे बच्चों को मरास्मस डिजीज होती है जो कि PEM के अंडर आती है। अब क्वेश्चन से रिलेट करते हैं कि क्वासियोरकर डिजीज इज ड्यू टू ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी इन द डाइट ऑफ द चिल्ड्रंस। सो अपना आंसर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। दिस फोर्थ ऑप्शन प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट अकॉम्पनीड बाई कैलोरी डेफिशियंसी, उसमें कैलोरी की कोई डेफिशियंसी नहीं है, उसके अंदर केवल प्रोटीन डेफिशियंसी है। यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्वासियोरकर डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन ओनली। सो करेक्ट आंसर इज द फोर्थ। बट ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर प्रोटीन एंड फैट दोनों को डेफिशिएंट दिखाया हुआ है। सो गलत ऑप्शन, ये मेरास्मस के लिए सुटेबल है। सो फर्स्ट ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, इट मींस दोनों ही कैलोरीज और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से मेरास्मस होता है, ये भी गलत। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, PEM का कार्बोहाइड्रेट से कोई रिलेशन नहीं है, सो दैट डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी रीजन गलत। सो ओवरऑल करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ ऑप्शन। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेंस ऑप्शन नंबर वन न्यूक्लिएज, पेप्सिनोजन एंड लाइपेज। सेकंड ऑप्शन पेप्सिनोजन, लाइपेज एंड रेनिन। थर्ड ऑप्शन एमाइलेज, रेनिन एंड पेप्सिनोजन। फोर्थ ऑप्शन माल्टेज, पेप्सिनोजन एंड रेनिन। इन चार ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस इन अवर एलिमेंट्री कैनाल। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स द वॉटर, HCl, गैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एटसेट्रा। इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स में से पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसको HCl एक्टिव करता है और पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। सेम वे प्रोरेनिन इनएक्टिव स्टेज में है जिसको HCl की इन प्रेजेंस में रेनिन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। रेनिन इज ओनली एन एंजाइम फाउंड इन इन्फेंट स्टेज, नॉट इन एडल्ट स्टेज। ये केवल चाइल्डहुड स्टेज के अंदर या इन्फेंट स्टेज में मिलता है। सो ओवरऑल गैस्ट्रिक जूस के अंदर इन्फेंट स्टेज के अंदर पेप्सिनोजन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज ये एंजाइम मिलते हैं। तो अगर ऑप्शन में से देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर गिवन है न्यूक्लिएज, पेप्सिनोजन एंड लाइपेज। अब न्यूक्लिएज एंजाइम पैनक्रेटिक जूस में मिलता है, सो ये ऑप्शन अपने लिए इनकरेक्ट हो गया। अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में पेप्सिनोजन, लाइपेज एंड रेनिन गिवन है जो अपने एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। सो अपना ऑप्शन सेकेंड ये करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं जिसमें अपने को गिवन है एमाइलेज, रेनिन एंड पेप्सिनोजन। इसमें से एमाइलेज सुटेबल नहीं है, सो दैट अपना ऑप्शन नंबर थर्ड भी इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं जिसमें गिवन है आपको माल्टेज, पेप्सिनोजन एंड रेनिन। इनमें से माल्टेज एंजाइम जो है वो मिलता है सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस में। सो ये ऑप्शन भी अपने लिए इनकरेक्ट। ओवरऑल गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेंस करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, पेप्सिनोजन, लाइपेज एंड रेनिन। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर वन
कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन, ऑप्शन नंबर टू इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ऑप्शन नंबर थ्री एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन, ऑप्शन नंबर फोर गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा हार्मोन जो पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट को के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, कौन सा हार्मोन पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट को स्टिमुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर पहले में कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन दिया हुआ है। देखो बच्चों, कोलेसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लेडर पर वर्क करता है और स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लेडर से इस बाइल जूस के प्रोडक्शन और रिलीज को, और बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है बाइकार्बोनेट, सो कोलेसिस्टोकाइनिन इज द करेक्ट। साथ में दिया हुआ है सीक्रेटिन, सीक्रेटिन वर्क करता है पेनक्रियाज पर और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस के प्रोडक्शन और रिलीज को स्टिमुलेट करता है, सो कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन बोथ आर करेक्ट। सो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। अब करेक्ट ऑप्शन तो मिल गया, बट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को भी देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये पेनक्रियास से रिलीज होते हैं और ग्लूकोज के ब्लड में लेवल को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। सो ये पेनक्रेटिक जूस के सीक्रेशन और बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन से प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन अपना रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड को देखते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन, आपने एलएन के क्लासरूम के अंदर पढ़ रखा है। एंजियोटेंसिन ये हार्मोन है, रास मैकेनिज्म के अंदर काम में आता है और अपने बीपी को कंट्रोल करता है, जीएफआर को कंट्रोल करवाता है। साथ में एपिनेफ्रिन ये एड्रेनल मेडुला से रिलीज होता है, तो ये पेनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, सो अपना ऑप्शन नंबर थर्ड भी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर फोर्थ को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ में गिवन है अपने को गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन। गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रिक जूस के रिलीज होने से रिलेटेड है, और इंसुलिन ग्लूकोज के ब्लड में लेवल को कंट्रोल और रेगुलेट करने से रिलेटेड है, सो गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन भी रॉन्ग हो गए, सो अपना ऑप्शन नंबर फोर्थ भी रॉन्ग। ओवरऑल अपने पेनक्रेटिक जूस और कार्बोनेट को प्रोड्यूस करवाने में, रिलीज करवाने के अंदर दो हार्मोन अपने यहां इन ऑप्शन में से करेक्ट है, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन। So option number one is correct. Which of the following term describe human dentition? Option number one, thicodont, diphyodont and homodont. Option number two, thicodont, diphyodont and heterodont. Option number three, pleurodont, monophyodont and homodont. ऑप्शन नंबर फोर्थ प्लूरोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन डेंटिशन को गिवन ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में करेक्टली डिस्क्राइब किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन डेंटिशन की तीन प्रॉपर्टी होती है यहां पर। नंबर फर्स्ट थिकोडोंट टीथ होते हैं ह्यूमन में, सेकेंड होती है डाइफायोडोंट और थर्ड होती है हेटेरोडोंट। एक्चुअली थिकोडोंट टीथ किनको बोलते हैं? टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉबोन। जॉबोन के अगर सॉकेट में टीथ एम्बेडेड है तो ऐसे टीथ को थिकोडोंट टीथ कहते हैं जो ह्यूमन में मिलते हैं। साथ में डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट मीन्स अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ, लाइफ में दो बार आते हैं, फर्स्ट टाइम मिल्की टीथ एंड सेकेंड टाइम परमानेंट टीथ।
थर्ड प्रॉपर्टी होती है ह्यूमन डेंटिशन की, हेटेरोडॉन्ट। हेटेरोडॉन्ट मींस डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टीथ की स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होती है सारे टीथ की, तो ऐसे टीथ की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हेटेरोडॉन्ट। सो ओवरऑल ये तीन प्रॉपर्टी ह्यूमन डेंटिशन की होती है, थिकोडॉन्ट, डाइफायोडॉन्ट एंड हेटेरोडॉन्ट। देखते हैं ये तीनों ही प्रॉपर्टी कौन से ऑप्शन में मिलती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में थिकोडॉन्ट करेक्ट है, डाइफायोडॉन्ट भी करेक्ट है, बट होमोडॉन्ट टीथ दिया हुआ है, ये ह्यूमन के डेंटिशन के लिए सही नहीं है। बिकॉज होमोडॉन्ट टीथ मींस सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर टीथ की स्ट्रक्चर सिमिलर और उनके फंक्शन भी सिमिलर होते हैं तो उसको होमोडॉन्ट डेंटिशन बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं होता है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन के अंदर अपने को गिवन है थिकोडॉन्ट, डाइफायोडॉन्ट एंड हेटेरोडॉन्ट। अपन ने एक्सप्लेन किया अभी, एलएन क्लासरूम के अंदर पढ़ा भी था कि ह्यूमन डेंटिशन की प्रॉपर्टी में थिकोडॉन्ट बिल्कुल करेक्ट, डाइफायोडॉन्ट बिल्कुल करेक्ट एंड हेटेरोडॉन्ट ऑल्सो करेक्ट। ओवरऑल दिस इज अवर करेक्ट आंसर। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। नाउ आगे चलते हैं अपन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं। और थर्ड ऑप्शन अपना बोल रहा है प्लूरोडॉन्ट, मोनोफायोडॉन्ट एंड होमोडॉन्ट। देखो इसमें एक टर्म नया आया है प्लूरोडॉन्ट। एक्चुअल में प्लूरोडॉन्ट मींस व्हेन टीथ आर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस या एक्सटर्नल साइड ऑफ द जॉ बोन, या जिसको अपन लेटरल साइड बोल रहे हैं, तो लेटरल साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है जॉ बोन के, तो उनको बोलते हैं प्लूरोडॉन्ट। ऐसे टीथ फ्रॉग वगैरह मिलते हैं। सो ह्यूमन बींग्स के डेंटिशन के लिए ये प्लूरोडॉन्ट टर्म सही नहीं है। सो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया। देन फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। इसी थर्ड ऑप्शन के अंदर एक टर्म गिवन है अपने मोनोफायोडॉन्ट। मोनोफायोडॉन्ट मींस टीथ केवल लाइफ के अंदर एक ही बार अपीयर होते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोफायोडॉन्ट टीथ। ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है, दो बार आते हैं, इसलिए मोनोफायोडॉन्ट की बजाय ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइफायोडॉन्ट टीथ प्रेजेंट होते हैं। सो ये भी रॉन्ग हो गया। देन फोर्थ ऑप्शन के अंदर प्लूरोडॉन्ट जो गलत है, लेकिन डाइफायोडॉन्ट एंड हेटेरोडॉन्ट ये दोनों ठीक दिए हुए हैं, लेकिन प्लूरोडॉन्ट गलत होने से अपना ऑप्शन नंबर फोर्थ भी रॉन्ग। सो ओवरऑल करेक्ट ऑप्शन इज द टू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।